हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं अमृतपुर। और ये देखिए, अमृतपुर की आपको पहाड़ियाँ वगैरह सब दिखा रहे हैं और कितने सारे पत्थर पड़े हुए हैं। बहुत बड़ी नदी है और झरने हैं यहाँ पर। हमारे वहाँ दिल्ली के कुछ गेस्ट हमारे बिल्कुल क्लोज वाले जो हैं, बिल्कुल मेरी बहन के बेटे और बहू वगैरह, दुल्हन वगैरह उनकी आई हुई थी और उनके बच्चे वगैरह आए हुए थे, तो उनको पानी में जाने का बहुत शौक था क्योंकि दिल्ली में वो लोग रहते हैं तो ऐसी जगहों पर नहीं जा पाते हैं। तो ये लोग आप देख ही रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और ये छोटे से जो हैं वो अदनान हैं और ये इनको बहुत ही इन्होंने इंजॉय किया पानी में और ये कहते रहे कि पानी में हमें जाना है और ये है वो है, बहुत नहाए ये लोग। और देखिए कितना खूबसूरत, वाकई में व्यू भी बहुत खूबसूरत है। पानी बहुत अच्छा था क्योंकि गर्मी का मौसम है और यहाँ पर तो पहाड़ में तो फिर भी मौसम बहुत अच्छा है और जगह तो बहुत गर्मी है, तो इसलिए इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। और आप देख ही रहे हैं, देखिए ये पूरा नदी है और अभी आगे आपको झरने भी दिखाएंगे। और बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, बहुत भीड़ थी। आगे मैंने बताया था अदनान है, देखिए ये अदनान बैठे हुए हैं पत्थर के ऊपर और बहुत स्टाइल कर करके इन्होंने फ़ोटो खिंचा है। और ये देखिए बिल्कुल, देखिए झरना है और झरने में से ऊपर से ये कुदरती झरने बह रहे हैं और इसमें खूबसूरत लग रहे हैं। और साइड में थोड़े दोनों में घास है, बीच में झरना बह रहा है तो बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। ये पूजा की कुदरत है जो झरने ऊपर से पूरे पहाड़ों से बहते हुए नीचे को आ रहे हैं और आपको देखिए बिल्कुल खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत सीनरियाँ, जैसे जैसे हम लोगों ने कभी पोर्ट्रेट में देखते हैं या फिर न्यूज़ में देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ये रियल में कुदरत का करिश्मा है और कुदरत की चीज़ है तो कितना अच्छा लग रहा है। और आप लोग खुद देखेंगे कभी तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आपको तो बहुत देता है। और आप लोग